अस्सलाम वालेकुम। ये है थर्ड डिग्री इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, ये 9 यहाँ पर हम ले आएंगे तो ये नेगेटिव 9 हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। ना आपने 9 को ब्रेक कर देना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा अगेन, तो मैंने 9 को ब्रेक कर दिया है। 1 आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है जी, इस 8 को मैंने क्यूब के साथ लिख दिया है और इस 1 को मैंने स्क्वायर के साथ लिख दिया है। यहाँ पर हम दो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो कि है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी ए प्लस बी के। ये दोनों फार्मूले हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है जी, ये हमने इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। नाउ इन दोनों पर फार्मूला अप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर हम कर देंगे तब भी ये 1 ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमने इस पर 8 के लिए जो है 8 का एलसीएम लिया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, तो मैंने 2 की पावर 3 लगा दी बिकॉज यहाँ पर एक्स क्यूब था और 1 पे स्क्वायरिंग कर दिया। हम दोनों पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2, ठीक है जी, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है, प्लस ए की जगह आएगा आपके पास एक्स, बी की जगह आ जाएगा 2, देन 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ये फार्मूला। अब हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहे हैं, एक आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर आ गया है एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 1। मज़ीद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर यहाँ कोई ब्रैकेट कॉमन होता तो हम इसे कॉमन ले लेते और इसे सॉल्व कर देते, तो इसका आंसर यहीं तक इनफ हो जाएगा।